थे कि किस तरह से आपने स्पोर्ट्स के अंदर आप किस मकाम पर कैसे पहुंची हैं, तो ये सब हमारे यंगस्टर्स हैं, अलग अलग संगठनों से हमारे पास आए हुए हैं, एनसीसी से हैं, एनवाईके से हैं, एनएसएस से हैं, स्कूल के हमारे साथी यहाँ विराजमान हैं, सारे अधिकारी भी हमारे पास यहाँ विराजमान हैं। क्योंकि अगर आप, मैंने इनसे, राहुल जी अभी मैं पहले आ गया था, मैंने इनसे और मैंने इनसे बोला था कि ये एक तरह से इनफॉर्मल एक डिस्कशन का, आप बिल्कुल दिल खोल के कुछ भी बात आप बात कर सकते हैं, इस यूथ पॉलिसी के बारे में बात कर सकते हैं, आरजीके के बारे में बात कर सकते हैं, और उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि आप सबों के एक डिस्कशन से जो भी कोई बात यहाँ से निकल के आएगी उसको हम हमारे मंत्रालय के अंदर उसको एक पॉलिसी के रूप में हम ले पाएंगे, ये हमारा एक प्रयास होगा। तो कहाँ से शुरू करूँ, आप अगर कोई अपना, हाँ अच्छा दूसरा में, हाँ अच्छा, थैंक यू। मेरा नाम अभिषेक है, मैं NYKS से NYC हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब से NYKS 1972 से चल रही है, जब से एक ही बजट पे चल रही है, इसका आज तक 2014 तक उसकी बजट क्यों नहीं बढ़ी? क्यों बजट की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि फाइनेंशियल NYKS में बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो ये क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? और बहुत सारे पोस्ट वैकेंट है, तो वो क्यों नहीं भरा जा रहा? स्पोर्ट्स मंत्री से पूछना पड़ेगा, इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। और यही मेरे से सवाल आज सुबह जब मैं राहुल जी को निमंत्रण देने गया था, तो आज सुबह ही आपने मेरे से सवाल पूछा था, और इनने मेरे से कहा कि आप इतने छोटे से बजट में कैसे चला रहे हो। ने कहा हमारा लगभग 80-85% बजट सैलरीज के अंदर ही चले जाता है। तो दो चीज़ें हम इसमें कर रहे हैं, जो हमारी ये नेशनल यूथ पॉलिसी है उसके तहत हम दूसरे डिपार्टमेंट्स को, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, HRD मिनिस्ट्री, उन सबों को हम जोड़ रहे हैं कि जो भी फंड्स उनके, जैसे मान के जाए टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है, कोई अवेयरनेस का कार्यक्रम चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट का कोई कार्यक्रम, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, उसके साथ हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास उनका भी बजट आ पाएगा। वैसे मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि अभी प्लानिंग कमीशन को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को हमने निवेदन किया है कि हमारा बजट कम से कम 10 गुना कर दिया जाए, 10 भी नहीं 100 गुना कर दिया जाए। दूसरा, भर्ती, जहाँ तक बात है भर्ती के लिए, मैं जब मंत्रालय हमने मैं इस मंत्रालय पर मैंने ये देखा कि लगभग एक एक तीन तीन जिलों के ऊपर एक DYC है हमारे पास, तो वो भर्ती का कार्यक्रम हमने शुरू कर दिया है। और थोड़ी सी एक अड़चन आ गई कि एक कोर्ट का स्टे हो गया, इसलिए थोड़े दिन के लिए वो रुका हुआ है, लेकिन वो स्टे भी उठेगा और बिल्कुल भर्ती होगी और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रूप से भर्ती होगी, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगा। अच्छा, अब इधर से हमारे और कोई, अच्छा हाँ सर, मेरा नाम मोहम्मद अयाज है। सर आपने 6500 खेल परिसर के लिए मतलब बोला है, सर अगर हम 1 करोड़ भी खेल परिसर खोल दें तो मेरे ख्याल से हम जो चाहते हैं कि कॉमनवेल्थ या जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उसमें मेडल की संख्या बढ़ाई जाए, आई थिंक इम्पॉसिबल। सर मैंने देखा, मैं एक खेल मंत्रालय मतलब वहाँ गया और वहाँ बच्चे खेल रहे थे, मैं हमेशा केवल खेल देखने जाता था, तो वो एक दो बच्चे थे, वो बहुत अच्छा खेल खेलते थे बैडमिंटन में, और सिलेक्शन होने वाला था नेशनल का, तो वहाँ कोच बैठे हुए थे, एक कॉल आई उनके पास और उन्होंने बोला कि कॉल में ये बात आई कि सर मेरा एक बंदा है और उसका सिलेक्शन नेशनल में कर दिया जाए, और वो दो बंदों में से एक का सिलेक्शन अब रह गया था, दो बंदे सिलेक्ट होने थे, अब उन दोनों ने अपना नाम विड्रॉ करा लिया, जिसमें कि वो जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ वो अच्छा नहीं खेलता था, मगर वो दो बच्चे केवल कोच की वजह से रह गए। तो मैं कल सर सिर्फ आपसे एक निवेदन करता हूँ कि आप देश को अच्छा कोच दें, जो हमारी समस्या जो है कि हमारे पास गोल्ड मेडल नहीं आ रहे हैं या अच्छे खिलाड़ी नहीं हो रहे, खिलाड़ी हैं मगर केवल कोच ही इस देश को आगे बढ़ा सकता है। धन्यवाद। बिल्कुल, लहरा गोपी चंद जी की तरफ मैं देख रहा था कि ये सबसे ज़्यादा हंस रहे थे उस पर। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स का है हमारे, हाँ जी सेक्रेटरी साहब, इसका जवाब आपको, क्योंकि हमने ये काफ़ी लंबी चर्चा इसके ऊपर अपन कर चुके हैं, घंटों आप और हम बैठे हैं, डीजी
भी यहीं बैठे साथ बैठे हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, उसके बारे में थोड़ा। सर बात बिल्कुल वाजिब है, किसी भी गेम को ऊपर ले जाने के लिए कोच ही सबसे क्रूशियल होता है। तो इसके लिए हम दो तीन कार्य तरह कर रहे हैं। एक तो जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी के अपने कोचिज़ की संख्या है वो बढ़ा रहे हैं, अभी हाल में ही इन्होंने लगभग 150 के करीब रिक्रूट करे हैं और भी रिक्रूट करेंगे, बट ये दिस इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर। एट वन लेवल लाइक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग, वो उसका प्रोसेस चल रहा है और जल्दी ही उसकी अप्रूवल्स होकर के अगले साल भर में वो चालू हो जाएगा। तो जिससे कि कोचिंग का जो सिस्टम है वो भी मॉडर्नाइज हो। हमारे कोचिंग के सिलेबस काफ़ी समय से रिवाइज नहीं हुए, ये बात ठीक है, सिलेबस रिवाइज होगा, जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे। और इसके अलावा सर सभी फेडरेशंस को हम साथ ले रहे हैं कि जो कोचिंग फ्रेमवर्क हर गेम का अलग होता है और एक इंटरनेशनल फेडरेशन के साथ उसका तालमेल होना चाहिए। सो वो भी हम फेडरेशंस के साथ जो इंटरनेशनल फेडरेशन का कोचिंग फ्रेमवर्क है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। सो ये तीन चार डिफरेंट पहलुओं के ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं टू इम्प्रूव द कोचिंग स्टैंड। इसके साथ साथ हम एक चीज़ और कर रहे हैं, आप कुछ बोलना चाहिए? सवाल का जवाब नहीं दिया बहुत मतलब अच्छा बोला आपने, मगर सवाल का जवाब नहीं दिया कि वो कह रहा है कि कोचेस की जो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट लानी है, वही कह रहे हो ना? तो कोचेस की क्वालिटी का कि आप असेसमेंट कैसे करते हैं, और अगर कोई कोच ठीक परफॉर्म नहीं करता है तो उसके साथ होता क्या है, और अगर कोई कोच ऐसा काम करे तो उसके खिलाफ क्या होता है, ये आपका सवाल है ना? जहाँ तक कोच के इवैल्यूएशन का है, आई एक्सेप्ट हमारे यहाँ अभी कोच इवैल्यूएशन का कोई साइंटिफिक सिस्टम कंट्री में नहीं है, वर्ल्ड में है बहुत। हर गेम में देर इज अ लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ ईच ऑफ द कोचेज इन ईच गेम, देर इज अ लेवल 1 to level 5, इट मे बी कॉल्ड बाई डिफरेंट नेम्स बट दैट इज द स्ट्रक्चर। सो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूटिंग दैट process of certification of coaches in each game, which will basically determine the quality and the level of that coach. So level one is... One more thing. मैं इस पे बीच में हस्तक्षेप करना चाहूँगा। राहुल जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेरे पास भी दो तीन जगह पर ऐसी कंप्लेंट्स आई थी कि जो नंबर 4 और 5 पर है वो को विदेश भेज दिया गया खेलने के लिए, और जो नंबर 1 और 2 पर था उसको नहीं भेजा गया। तो हमने एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है सिस्टम, और कर्नाटका के अंदर इसको शुरुआत करी है कि हम जो भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं उसके जो परफॉर्मेंस के अंदर वेबसाइट हमने उस पर क्रिएट कर दी, एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर दिया है कि उसको हम मॉनिटर करें। उस पर कोच उस मॉनिटरिंग के साथ कोचेस की जिम्मेदारी तय करें। अगर आप इतने मेडल लेके आओगे तो, और हमने ये भी तय कराया कि हम अब कोचेज को आगे कॉन्ट्रैक्ट पर रखेंगे, अगर आप कोचेज ने अच्छा काम किया अच्छे मेडल लेके आए तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा देंगे, अगर मेडल नहीं मिला और कुछ काम आपने नहीं किया तो जाइए घर नमस्कार। तो ये हम करेंगे और उसके साथ साथ उनको इंसेंटिव देंगे, अच्छे मेडल आए हैं तो आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ा है और आपका। लेकिन कोचेज जरूरी एक बात ये और है सेक्रेटरी साहब कि कोचेज की हमारी सैलरीज भी अच्छी होनी चाहिए। अब हम फॉरेन कोचेज को तो बहुत पैसा दे देते हैं, 8-10 हज़ार डॉलर दे देते हैं, और हमारा जो एक कोच होता है वो बेचारा 10,000 या 15,000 रुपये लेके चलाता है अपनी गाड़ी को। तो कोचेज को अच्छा सैलरी मिलनी चाहिए, और कोचेज के लिए जो एक तरह से उनका जो रिवॉर्ड सिस्टम है, रिवॉर्ड मैकेनिज्म है, वो तय करना चाहिए। बिल्कुल तैयार है हमारा ये काम, हमने लॉन्च भी कर दिया है कर्नाटका से, और इसके ऊपर पूरे देश के अंदर हम इसको लागू करेंगे। सर जहाँ तक एक और इनका था कि जो सिलेक्शन ऑफ टीम्स है उसमें धांधलेबाजी होती है, तो उसके लिए सर हमने ये करा है कि जो नेशनल लेवल टीम्स तैयार हो रही हैं हर गेम के लिए एक तीन एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाई है अपार्ट फ्रॉम द नेशनल कोच एंड द फेडरेशन इंचार्ज। ये जो तीन मेंबर एक्सपर्ट्स हैं दे हैव बीन जो उस गेम के टॉप पे रहे हैं पिछले कुछ सालों में, वो कॉन्स्टेंटली जो नेशनल कैंप लग रहा है वहाँ पर जाएंगे, इंटरेक्ट करेंगे एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, सी कि जो हमने हर गेम के प्रोबेबल्स 30-40 सिलेक्ट कर रखे हैं कि उनकी ट्रेनिंग प्लान जो बना वो ठीक बना है, ट्रेनिंग प्लान के हिसाब से चल रही है, कोचेस ठीक प्रकार से उस प्लान को फॉलो कर रहे हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ फॉरेन कोच को हम ले आएँ, और जो ठीक नहीं कर रहे हैं ट्रेनिस उनकी छंटनी करके नए ट्रेनिस ले लें। तो जिससे जो ट्रांसपेरेंसी एक आ जाएगी, और इस तरह की जो ग्रीवेंसीज हैं कि किसी और कंसिडरेशन के ऊपर टीम्स का सिलेक्शन होता है वो ख़त्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि खिलाड़ी और जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनका एंगेजमेंट
उनका जो एक हस्तक्षेप इस मंत्रालय के अंदर और स्पोर्ट्स अथॉरिटी के अंदर जो है वो बढ़ना चाहिए। इसलिए हमने जो सबसे मुख्य जो बड़ी बड़ी कमिटीज़ हैं, सबसे बड़ी है हमारी गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग है और आपकी गवर्निंग बॉडी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इनके अंदर हमारे बहुत सारे साथी अश्वनी जी विराजमान हैं, लहरा जी विराजमान हैं और भी हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, बहुत सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको हमने जहाँ डिसीजन लिया जाता है, जहाँ फैसले लिए जाते हैं, उन कमेटियों के अंदर उनको बिठा दिया है। अगर जितने मेरे ख्याल से इस सब चीज़ों के समाधान सिर्फ एक है, हम चाहे कुछ भी कर लें लेकिन समाधान सिर्फ ये है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर स्पोर्ट्समैन का ज़्यादा एक रोल होना चाहिए, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। टू ब्रिंग इन स्पोर्ट्स बिल व्हिच यू नो एड्रेसेस ऑल दीज इश्यूज, बिकॉज़ वंस द बिल इज introduced and accepted, then there is certain guidelines which have been formulated, you know, which brings about a lot of transparency, a lot of accountability, and that will be followed by every district. I mean, this happens basically at grassroots level sports, where, and this, if the bill comes into effect, I think it's now in the ministry's hand to actually table the bill and, you know, see that the country needs the sports bill as soon as possible. Rahul ji, we'll need your help because I know you're always there. You're always there for the young people and for sports. And some of the bills which are revolutionary bills which have come into existence in this country. And this is a model country for the world, let me tell you. Because a lot of foreign delegates come and see me and they come and meet me and say that, my God, bills like the RTI, bills like the food security bill have come in. And they could not even have dreamt of such developed countries. They couldn't have this. So this will also be a revolutionary bill. We are trying our best to bring the bill. Of course, he is going to push for the bill. But let me tell you, we've taken a large step towards the bill. Let me tell you how it started. The bill was discussed with all of you, with all the sports federations. We put it in the public domain. Please tell us. I wrote personally to lots of sports persons, all members of parliament, people from all stakeholders, that please come and tell us what we want in the bill. So we formulated a bill. There's some things in some sort of, we've had some very, very important decisions. We've had a little bit of a setback in the past few months where India was de-recognized, but we've come back. And we've come back with reforms. For example, criminality. That's, I think, a very, very big achievement for the sports persons have got, is that no criminal people in sports. So that's a very, very big amendment the IOA has made. So that's been a bit of a success for us. Along with that, we need to bring in lots of more reforms. So I can promise you that this bill, as far as I am concerned and my ministry is concerned and this government is concerned, we will bring this bill very, very soon. Hello, myself Dr. D.R. Saini, the principal, Delhi Public School, R.K. Param. Originally, I am a sports person. My background is sports. In school, there is no sports. Study and sports both should be together because there is no root, no suit and no fruit. The base should be there in the schools. So health ministry, education and sports, they should work together and we will give the best. Our country is great. And you people, those who are young in the ministry, particularly you people, kindly do something at school level. Then we will give the best result to you. Thank you, sir. Look at this. What an interesting question he's asked me. Just Rahul ji and our dignitaries here. What happens after Rajiv Gandhi Khel Abhiyan? That's where you identify the talent. Then you have to nurture that talent and give proper training. So we've come out with a scheme called INSTALL. It's called INSTALL, which will take Rajiv Gandhi Khel Abhiyan to its next step. That scheme involves, we formulated it. It has not been passed by the cabinet yet. Hopefully it will happen, but
the next step to Rajiv Gandhi Khel Abhiyan is installed, where we will be funding infrastructure, synthetic tracks, the best of coaches, sports medicine centers in various schools. So whenever we pick up sports persons with talent at the grassroots level, the government of India will be paying for their school education and will be paying for their education in sports, for sports development. And they will be, we will fund literally one or two schools per district throughout the country. So that will make the connect much more easier. So we will have people coming out of villages and from blocks and from panchayats, and they will be able to get good quality education and will be also be able to pursue sports. So that's the install scheme. मेरा नाम रणधीर सिंह है, मैं अर्जुन अवार्ड हूँ, दो बार एशियाड का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि इसको अनिवार्य सूची में जब तक नहीं डालेंगे खेलों का उद्धार नहीं होगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि शिक्षा की अनिवार्य सूची, वो इसलिए ज़रूरी है कि आज राजकुमार सांगवान को कोई नहीं जानता, आज जफर इकबाल को कोई नहीं जानता, आज जो अभी करके आए हैं उनको जानते हैं। नंबर दूसरी बात, उस बच्चे का मैं जवाब देना चाहता हूं कि हमारे देश में 500 अर्जुन अवार्डी हैं और 50 द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, क्यों ना हम उनकी सेवाएं लें कोच के लिए। जफर इकबाल को इतना एक्सपीरियंस है, ओलंपिक गोल्ड है, क्यों ना हम उनकी सेवाएं लेते। हम फेडरेशनों के ऊपर क्यों जा रहे हैं जो फोर्थ कैटेगरी वाले को कोच लगा रहे हैं भाई, जब इंटरयूनिवर्सिटी के गोल्ड को हम क्यों ले रहे हैं। हमारे पास ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट है, पहले हमने ग्रेड ए के अनुसार चलना चाहिए। सभी अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी सब तैयार हैं। दूसरी बात, मैं साई को एक बात कहना चाह रहा हूं कि नेशनल में क्यों ना सीडी बनाई जाए खेलों की, किसने कितने पॉइंट लिए, किसने कितना किया। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज मैं जो खड़ा हूं वो राजीव जी के कारण है, क्योंकि कबड्डी को 1982 में राजीव जी प्रदर्शनी मैच के रूप में लेके आए और 1981 में जो उन्होंने लखनऊ में नेशनल कराया, वो मेरा पहला नेशनल था। मैं राजीव जी का ऊपर सुन रहे मैं आभारी हूं कि आज मैं खेल अधिकारी के रूप में हूं रेलवे में, और 6 बार का एशियाड गोल्ड है भारत कबड्डी में, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक खेली जाती कबड्डी, लेकिन उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। क्यों? जो दिखता है सो बिकता है, ग्रामीण खेल है, 90% ग्रामीण जनता जानती है। मेरा सिर्फ यह अनुरोध है आपसे कि अर्जुन अवार्डी और ध्यानचंद अवार्डी जितने हैं पहले कोचों को उनमें लेके आइए, क्योंकि उनको सारी नॉलेज है और वो सेवा देने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छा आपका सुझाव है, बिल्कुल हम इसके ऊपर मंत्रालय के हम सब अधिकारी और हम सब बैठकर और इसके ऊपर बिल्कुल विचार करेंगे। बिल्कुल वाजिब बात है आपकी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जफर इकबाल साहब कुछ फरमाना चाह रहे थे, पर आप कुछ नहीं। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी साहब हमारे बीच में है, बहुत खुशी की बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, खैर मेरा नाम उन्होंने लिया है, बहरहाल वो अलग चीज़ है, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि स्पोर्ट्स बहुत सिखाता है हम लोगों को और हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमने सीखी है कि बेईमानी नहीं करना। सिलेक्शन कमेटी में हम बहुत रहे हैं, आज भी गवर्निंग बॉडी में हैं हम लोग, और हमने इनसे यही दरख्वास्त की थी कि भाई जो एक ही सिंगल बॉडी है हिंदुस्तान की जो स्पोर्ट्स चलाती है, इसमें दो राय नहीं है। ये ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ, जबकि सब अधिकारी मंत्री जी भी हैं, डीजी साई भी हैं, कि जितने भी फेडरेशंस हैं हिंदुस्तान के अंदर, एक्सेप्ट वन और टू, मे बी बीसीसीआई और टेनिस एसोसिएशन, रेस्ट आर डिपेंडिंग ऑन साई। अगर साई नहीं हो तो ये एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। दिस इज़ माई पर्सनल फीलिंग, because I was the government observer for last many years and also
the selection of the Indian hockey team for many, many years. And I was the coach also. दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये तो बहुत अच्छा अभियान है आप लोगों का और हम लोग भी साथ में हैं इसके और ज़रूर रहेंगे, मगर हमारी बहुत दिल की तमन्ना ये है कि यानी हाउ टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स इन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक इन यूनिवर्सिटीज़। एंड मैंने उनसे बहुत पहले भी कहा था कि भाई जैसे एक फिज़िक्स होता है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, तो उसी तरीके से जब तक स्पोर्ट्स शुड बी लाइक ए सब्जेक्ट वेद स्टूडेंट शुड गो एंड टेक पार्ट एवरी डे इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग वेन एवर दे फाइन टाइम। तो मैं वाइस चांसलर साहब से भी मैंने बहुत कहा, कई लोगों से मैंने कहा कि आप इंट्रोड्यूस तो करिए स्पोर्ट्स एज ए सब्जेक्ट, फिर आप देखिएगा जितने लड़के ये चाय पे बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आई बिलोंग टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम देयर। सो वट आई वुड प्रिफर कि ये जो लड़के जितने बैठे हैं चाय पे हैं, गाना सुन रहे हैं, ये कोई खेल ही नहीं रहा, कहने लगे इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है सवाए पढ़ने के। एंड इफ दे आर नॉट फिजिकली फिट देन दे कांट बी मेंटली फिट ऑल्सो, इट्स माई पर्सनल बिलीव। सो यू मस्ट एम्फसाइज के हाउ वी शुड गो अबाउट इट कि एजुकेशन institutions ke andar sport should be compulsory as a subject, and once it is done I'm sure the entire, you know, they are all intelligent people because they are you know getting education from different you know in different colleges, universities, so naturally they are very highly placed people. To main samajhta hu jab tak university and college ke andar agar as a subject sports nahi aata to I think which aur dusri jo teesri baat jo main kehna chahta hu ke लास्ट गवर्निंग बॉडी में भी मैंने कहा कि देखिए स्पोर्टिंग ये बॉडी है और स्पोर्ट्स पर्सन आपने प्रॉमिस यहाँ पे भी किया है, और मैंने कहा था कि भाई जो अगर यूपीएससी के थ्रू लेना है तो मैं आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, बट आई हैव टू टेल यू कि जो भी लेते हैं आप असिस्टेंट डायरेक्टर ले रहे हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया के अंदर, नॉट फ्रॉम दी दोज हु आर लिस्टेड इन द यूपीएससी कैटेगरी। मैंने कहा भाई जब फिर हम खिलाड़ी कहाँ जाएंगे ये बताइए। और जैसा कि हमारे साथी खिलाड़ी ने कहा कि भाई हम लोग की जो पॉलिसी है, जो तीसरी जो मैं बात कहना चाहता हूँ कि साहब हम लोगों ने पूरे कंट्री में खेला, 10 साल खेले, 2-2 ओलंपिक्स खेले, 3-3 वर्ल्ड कप खेले, मगर काम कुछ और करते। जो बेसिक जो फंडा है हमारे कंट्री में वो यही तो गड़बड़ है कि हम करते कुछ है और होते कुछ है, करते कुछ और है। सो दैट शुड बी स्ट्रीमलाइन। थैंक यू। एब्सोल्युटली फुली आई फुली एग्री विथ यू। व्हाट इज आवर हीरोज हियर सिटिंग हियर हैव टू से अबाउट दिस? हां अश्विनी जी, वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट दिस? वुड यू लाइक टू? हां अब एक मिनट, वुड यू लाइक टू से समथिंग ऑन? हेलो, क्या व्यू है? बट मैं मानता हूँ कि इंडियन कोचिज बेस्ट कोचिज हैं, बिकॉज मैं बहुत सारे कोचिज के साथ काम किया है, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट 10 साल हो गए बॉक्सिंग करते हुए, 15 साल हो गए, बट जो इंडियन कोचिज हैं दे आर द बेस्ट। बट जब एक स्पोर्ट्स प्लेयर के ऊपर बात आती है, लाइक प्लेयर 19-20 होते हैं, लाइक एक 20 है एक 19 है, अगर वो हार गया उसको बाई चांस तो उसको बहकाने वाले बहुत होते हैं, भैया हाँ तू जानबूझ के हरा दिया, तेरे को ये हो गया वो हो गया। बट मैं नहीं मानता कि कोचिज जानबूझ के कोई ऐसा करता है। हाँ होता है, कई बार मिस्टेक हो जाती कई कोचिज से, पर मैं मानता हूँ कि इंडियन कोचिज सबसे अच्छे हैं और हमें आई थिंक इनको बाहर भेजना चाहिए कि कुछ सीख के हमें सिखाएं, ना कि कोचिज लाइक बॉक्सर्स को एथलीट को बाहर भेजना चाहिए ज़्यादातर। आई थिंक कोचिज को वहाँ क्लासेस के लिए भेजना चाहिए, वो मेरा मेन मोटिव होगा। आपसे सब जानना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स को एक तरह से आप देख रहे हैं, आप तो खुद ही स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो आप अपने नज़रिए से क्या देखते हैं कि क्या किस तरह से स्पोर्ट्स डेवलपमेंट होना चाहिए, इस मंत्रालय का क्या रास्ता होना चाहिए? आपका जो पॉइंट था उसको, वो बिल्कुल सही पॉइंट है कि हमारे पास इतना टैलेंट है मगर उस टैलेंट को हम यूज नहीं करते हैं, चाहे वो कोचेज की बात हो, स्पोर्ट्स पीपल की बात हो। दूसरा सा छोटा सा मेरा ऑब्जर्वेशन है कि
ज्यादा से ज्यादा एसोसिएशंस को पॉलिटिशियंस चलाते हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, और मैं जानता हूं कि पॉलिटिशियंस के पास स्पोर्ट्स के लिए टाइम नहीं होता है। तो मेरा कहना है कि पॉलिटिशियंस हैं, हमारे पास और बहुत काम है, हमें अपना काम करना चाहिए, और स्पोर्ट्स के लोग हैं उनको स्पोर्ट्स का काम करना चाहिए। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है छोटा सा। वही तो, जब तक ये बात को बदला नहीं गया कि स्पोर्ट्समैन जो हैं, जो आज यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, जब तक इनके हाथ में ये चीज़ नहीं दी गई, तब तक ना आपके पास सही कोच आएगा, ना सही आदमी आगे बढ़ेगा। तो फोकस इस पे होना चाहिए कि स्पोर्ट्स के लोगों को स्पोर्ट्स की कमान कैसी दी जाए। क्या इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? राहुल जी मेरे से पूछ रहे हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। राहुल जी, मैं बिल्कुल, मैं भी पॉलिटिशियन भी हूं और स्पोर्ट्स पर्सन भी हूं, छोटा मोटा मेडल मुझे भी मिला हुआ है, लेकिन इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए एक आइकॉन के रूप में पॉलिटिशियन, कोई मंत्री या कोई एक सीनियर व्यक्ति अपने जिले में कर सकता है, लेकिन हम सब लोग अपना चुनाव लड़ना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर आप हमें मंत्री बना देते हैं तो हम अपना काम सीख के और हम अपना काम करना भी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन अच्छा नहीं बन सकते हम। स्पोर्ट्स को किस तरह से स्पोर्ट्स रन कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। तो इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि एक रोल पॉलिटिशियंस का हो सकता है स्पोर्ट्स के अंदर, लेकिन स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए हो सकता है, लेकिन स्पोर्ट्स को चलाना और स्पोर्ट्स किस तरह से हमारे स्पोर्ट्स पर्सन खेलें वो पॉलिटिशियन नहीं बता सकता है। इस बात से मैं सहमत हूँ। ज़रूर भविष्य के अंदर एक आवाज़ है, जनता के अंदर आवाज़ है, स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर आवाज़ है, हम सबों के दिल में एक भावना है, वो ज़रूर पूरी होगी। व्हाई डोंट यू से समथिंग सर? एज कोचेस आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स वी फील एज स्पोर्ट्समैन कोचेस, आई थिंक द number of days or the number of hours which parliament debates on sports or talks about sports or development of human resource is not there. There's no reasonable debate happening only. We have very intelligent people in parliament, but there's never a time when sports is recognized, talked about. I think the basic thing would be that all of the people at the parliament maybe make it a 3-day event where everybody has to be present, and there has to be sports being discussed in the first place. I think if that is done, I think half of the issues will be solved, because these are very basic issues and all of them are very fundamental things which can be addressed very quickly. It just needs the parliament to think that sports is important, that sports has a benefit for health, for human resource development, and once this is done, I think we'll have a lot more answers for this. At the moment, we as a community are not really a politically vote bank, so to say. So nobody is speaking for us. I think the whole of parliament should be made to speak regarding sports, and all of them have good things about sports, in the sense everybody understands the importance of sports, and we'll have a lot of answers coming out for all these seemingly important issues, definitely important issues, but we'll have good answers for them from the parliament is what I think. Sir? Thanks. The sports development bill, which is coming up, and also the anti-fraud bill, because another important issue which we'd like to even talk about here is this match fixing business, which is coming up. It's come in cricket, and it's going to seep into other sports also. But regarding the sports development bill, we have here Mr. P.K. Deb, who's been Secretary of Sports for a long time, and the sports development bill, even the RGKA, which we have launched today, he was a major part and a major driving force for it. So maybe you could speak on something on the sports development bill, and how do we reform sports? When you talk about sports administration, please remember that it is probably one of the most mismanaged areas of
Indian endeavor anyway. At this point of time, the rules governing administration of sports are very weak, allowing all kinds of people to assume power. And once in power, to stay in that forever. The sports bill that is, which is now under consideration, for the first time tries to bring some sense into this mess that we have. It wasn't made by the ministry, by the way. It was made by a committee which was set up, which primarily had sports people in it, who deliberated for nearly 4 months before they came up with the bill. And in that bill, a certain number of posts have been always to be kept for sports people. And over a period of time, more and more sports people will take on a leading role in that management of sports. But that is not just the one. It lays down rules on how to go about the administration. It lays down transparency rules. It has a whole lot of provisions which are controversial, and I'm sure it will be debated over and over again. But the nice thing about it is that the sports ministry has been enforcing many of those conditions already. And in the process, you will have seen that there is talk about cleaning up of sports across the country. And that debate about cleaning up of sports is probably one of our better achievements. I'm not saying we've cleaned it up, but that we have got people to talk about cleaning it up itself is a big thing. Nobody talked about it before. It used to be father to son to grandson and God knows what else. It used to be the area where even failed politicians found a place. So let us look at something else. Apart from sports, there is this entire area of betting. And the area where, if that cancer develops, will kill sports in this country. And that is where we need to debate two different things. One is, which is already on the cards, a strong bill which defines what is fraud, sports fraud, and very firm punishments. That is on the anvil, should be coming. But that is not just the one thing. And that will come. It's a very tough bill. But just that tough bill will not do. Please understand that sports betting brings in approximately 1,60,000 crores a year in betting. You can't remove that by just one law. Somewhere, sometime, and this is unfinished business, we have to think of how to regulate it. You cannot eradicate. I'm sorry, I'm being a little controversial, but you cannot eradicate betting. See if you can find some ways of controlling it, regulating it, allowing transparency in the process. If we can do that, we'll actually benefit sports in the country. Because then, like elsewhere in the world, regulated betting will mean much more fair play in sports. But sports is an area which is singularly unregulated in every respect. When you talk about sports, please remember, unregulated atmospheres do not create champions. It is when you really bring about changes at the grassroots where people are enabled to do it, not a situation where people are at the mercy of some others. It is then that sports will develop in this country. And that is what we all have to work for. Thank you. Thank you. Thank you very, very much. And also, sports needs to be linked with progression and career. Sports as a career needs to be thought about. Yes. Sir, good evening. Myself, Chikak Prohit. Louder, so my question is, how can a country
country with 1.2 billion people have such few Olympic medals. What is the long term vision of the sports of ministry for sports in India? Vision 2020. Huh? So what we've done is we've created a vision 2020. We've set ourselves a goal. The goal is that India should be the 10 top sporting nations in the world by the year 2020. That's our goal. Because if you don't set a goal, how are you going to achieve anything? So, RGK is Rajiv Gandhi Khel Abhiyan is the first step towards that goal. The install program, which I mentioned a while ago, is the second step. The third step is setting up National Institute of Sports Medicine, is the third step. NIS Patiala, other institutions all around the country, revamping is another part of a plan which we have. So that's how we are moving forward. So, yes. You see, if you look at the medals tables, you will find that the countries that win the most medals are countries that are not poor countries. So richer countries tend to win more medals. And that's something that you have to keep in mind. As India progresses, automatically you will find that the number of medals will increase. It was much more difficult for an Indian person to win a gold medal 30, 40, 50 years ago than it is today. Because the number of people who had the time, the money, the calories to win medals was much smaller. So I think one thing you will find is as we proceed, more and more youngsters will win medals. Question is, what is the best infrastructure that we can possibly give them and how can we deliver it to them? I think what's very important is what you raised, that we enable coaches who are good and then we take these facilities to all the corners of India, not just in Delhi, in the Jawaharlal Nehru Stadium, but in all the blocks, all the districts of India, so that youngsters who have talent can access these facilities. I'm not saying that just because we take facilities to every corner of India, we'll suddenly win 100 medals. But slowly, slowly, you will certainly see an improvement in the number of medals that we win. I think one of the sports people today, while I was discussing, made a very important point. That actually sports is much bigger than just winning medals. Winning medals is a very small part of sports. Sports is about health, sports is about fitness, sports is about balance in life. And I think we should also keep that in mind, that there are, no matter what you do, in India, in one Olympic Games, 100, 200 people will win medals. What about the rest of the people? So we must not also forget that there are many, many other people who benefit from sports but are not competitive. Might not be interested in becoming a Sachin Tendulkar, but still have a lot of room for sports in their life. So I think the focus should be on both those aspects. It should not only be ki bhaiya medals deliver karne. It should also be that let all our youngsters be healthy, let them understand the value of sports, let them use sports in their lives. I just want to conclude by saying I'm very happy about the policy that you've set up, especially because it takes sports to the villages, it takes sports to the blocks where it is very important sports go. Thank you. See, we've talked about sports, but we haven't spoken about the youth policy. So maybe this whole people sitting here are very, very quiet. Would you like to say something? मेरा नाम है गीता शर्मा. मैं नेहरू युवा केंद्र संगठन से हूँ, NYC. मैं ये आपसे एक सवाल है सर आपसे सवाल है पीछे
सर आपसे सवाल है कि हमारे नेहरू युवा केंद्र में एक हमारे बीच में NYC है हमारे, उनको 17 साल हो चुके हैं, ठीक है, तो उनका मतलब फ्यूचर क्या है? अगर हम 17 साल पहले एक रेडी खोलते चलो बटरे की, तो अभी तक हमारा कितना बिजनेस हो जाता अभी तक, ठीक है, तो हमारा आगे के लिए फ्यूचर क्या है NYC, मतलब NYC मतलब नेहरू युवा केंद्र संगठन में क्या फ्यूचर है वॉलंटियर का? सेक्रेटरी साहब आप जवाब दीजिए इसका, ये बात हम बहुत बार डिबेट कर चुके हैं मीटिंग के अंदर, तो इसके बारे में बताइए। नेहरू युवा केंद्र संगठन का काडर रिस्ट्रक्चरिंग हम कर रहे हैं, जिसमें प्रमोशन के पोस्ट बढ़ा रहे हैं, बल्कि माननीय मंत्री जी ने उसका अनुमोदन भी कर दिया है, अब उसको वित्त विभाग भेज दिया गया है, जब पोस्ट बढ़ेंगे तो प्रमोशन की कार्रवाई भी होगी। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नेहरू युवा केंद्र संगठन ये एक वॉलंटियरिज्म के बेसिस पर है, यहाँ पर लोग आते हैं सेवा करने के लिए, तो बात सही है हर एक के पदोन्नति भी होनी चाहिए, सेवा में अच्छा भी होना चाहिए, लेकिन साथ साथ जो हमारा मूल उद्देश्य है कि हम युवाओं को मोबिलाइज करें, उनको देश के निर्माण में लगाएं, वो उस पर कोई कमी नहीं आनी चाहिए। नमस्ते, मैं शिवशंकर अधिकारी वेस्ट बंगाल से हूँ, तो मैं वेस्ट बंगाल का हावड़ा डिस्ट्रिक्ट का छोटा सा गांव का हूँ, तो मैं इधर SSB में नौकरी करता हूँ और मैं वेट लिफ्टर हूँ सर, तो गेम करके मेरे को नौकरी मिला है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ गांव में स्पोर्ट्स होना चाहिए, गांव में कुछ है ही नहीं, उधर गांव में स्पोर्ट्स करने के लिए कुछ भी ग्राउंड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हर बॉक्सिंग से लेके कुछ भी गेम उधर है ही नहीं, तो मैं कोलकाता साई में जाके प्रैक्टिस किया हूँ और घर भाड़ा लेके प्रैक्टिस किया हूँ, घर में गरीब है, पैसा देने के लिए भी पैसा नहीं है, ऐसे ऐसे करके गेम करके मेरे को नेशनल खिलाऊँ नौकरी मिला है, तो गांव में ऐसे बहुत टैलेंट है जो जिसको उसको प्लेटफॉर्म मिलता ही नहीं, उधर गाँव में गरीबी भी है, तो उधर स्पोर्ट्स होना चाहिए सर, उधर एकेडमी जो भी है तो होना चाहिए स्पोर्ट्स का, तो शहर में ही है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो शहर में ही रहता है, तो मेरा ख्याल से ऐसे होना चाहिए। यूथ पॉलिसी के बारे में हमारे साथी हैं पीछे विराजमान हैं, आप जवाब देंगे क्या? आप कुछ बात करना चाह रहे थे यूथ बारे में, तो यूथ के बारे में कोई और बात कोई रखना चाहेगा उसके बारे में मुझे बताएं आप। यूथ पॉलिसी के बारे में, सर मेरा नाम मोहम्मद शकील अहमद है, मैं NYK से जुड़ा हुआ हूँ, NYK ने हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, हम उससे बहुत कुछ सीखे हैं और आगे आने वाले बच्चों को सिखाना चाहते हैं, लेकिन हमें प्लेटफॉर्म तो मिला, लेकिन प्लेटफॉर्म मिलने से हमें रोजी रोटी नहीं मिलता, हमें प्लेटफॉर्म मिला चलने के लिए मिला, हम तैयार हैं, हम बहुत लोगों के साथ जब जाते हैं उनसे बात करते हैं, तरह तरह के एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, लोगों को बताते हैं कि इससे ये फ़ायदा है, आप इससे जुड़ो, लेकिन उनका भविष्य हमें नज़र नहीं आता, हमें जब अपनी भविष्य नहीं नज़र आती तो उनको हम आगे क्या बताएंगे, हमें NYK से क्या मिलता है, अगर हम जाते हैं तो 2,500 रुपये, सर आज के ज़माने में 2,500 रुपये से कुछ होता नहीं है, इतने वैकेंसीज है, इतने पोस्ट खाली है, मेरा आपसे गुजारिश है, मंत्री जी से भी गुजारिश है कि खाली पोस्ट को भरे, युवाओं को नौकरी मिलेगी, तरक्की होगा, देश आगे बढ़ेगा, हम सब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपकी बात मैंने, हम अभी पोस्ट भरने की बात कर रहे हैं, यूथ पॉलिसी के ऊपर आपको बात रखनी थी। ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स मे बी एट द बैक फ्रॉम अ स्कूल, सो हाँ, यू वांट टू आस्क समथिंग? ओके, वी हैव द यंगेस्ट पर्सन, हाउ ओल्ड आर यू? 12 years old. वी हैव अ बॉय हू इज 12 years old एंड ही इज गोना आस्क अ क्वेश्चन, कैन वांट यू कम डाउन, कम ऑन, वेयर योर कैप एंड कम डाउन, come okay, here's the mic and go there and in the middle and ask, you can also ask
Listen, hang on. You can also ask these sports celebrities who are sitting here. Sir, आप सब कहते हैं कि हम सबको physically fit रहना चाहिए. तो sir, हमारे school में सिर्फ हफ्ते में एक बार ही games होता है. कभी कभार कोई हमारे सर कुछ अजीब सा रीजन दे के हमें क्लास में बिठा देते हैं. अजीब सा. तो अब आप क्या करना चाहेंगे सर? आपने हमारे लिए स्टेडियम भी बना रखा है, पर सर ये स्टेडियम के ग्राउंड में भी बहुत गड्ढे होते हैं सर, हम खेल ही नहीं पाते. देखो, जो हमने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है, उस स्पोर्ट्स पॉलिसी का जो एक सबसे बड़ा मुख्य जो कंपोनेंट है वो है स्पोर्ट्स. यूथ पॉलिसी जो बनाई है उसका बहुत सबसे बड़ा कंपोनेंट है स्पोर्ट्स. और यूथ पॉलिसी सभी मंत्रालय द्वारा कैबिनेट ने पास करी है और सबों के कमेंट्स आ चुके हैं. तो जिस तरह से हमने NCC को और NSS को एक तरह से इलेक्टिव सब्जेक्ट बनाए, इस तरह से एक दिन मेरा भी एक सपना है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन जाए एक दिन, तो ज़रूर स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट हो पाएगा. आपने बिल्कुल सही बात कही है, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा. एनीबडी वांट टू रिस्पॉन्ड ऑन दिस? हाँ, ओके. सर, ये जो बच्चा ने जो क्वेश्चन किया है सर, ये बिल्कुल जायज क्वेश्चन है. क्योंकि मैं कहना चाहती हूँ कि इवन मेरा भी बच्चे जो हैं वो भी स्कूल में होता है, तो मैं जब गई थी देखने के लिए तो उनको क्या है 40 मिनट्स का पीरियड होता है स्पोर्ट्स का. 40 मिनट्स का पीरियड में जाते हैं वो क्लास से लाइन में लेके आने में एंड ग्राउंड टच करके फिर वापस जाने में 40 मिनट्स ख़त्म हो जाते हैं. मैं उस बच्चे को ये कहना चाहती हूँ कि बेटा, आप अपनी जो स्कूल की फिजिकल एजुकेशन की टीचर होता है उनको पटाओ और उनको बोलो कि सर हमको खिलाओ, तो वही खिला सकते हैं, वही आपको कर सकते हैं. बाकी जो मिनिस्टर साहब ने जो समझाया शायद आप नहीं समझ पाए वो इतना कुछ. तो आपको खेलने का दिल है तो आप अपनी जो PT टीचर है ना उनको पटाओ, वो खिला सकते हैं. सर, मैं इसकी बात पे एग्री करती हूँ. इसने कहा आप लोग जैसे नॉर्मली यहाँ पे बहुत गड्ढे वगैरह, बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, और अगर कोई VIP पर्सन आते हैं तो वो एक वीक में साफ हो जाते हैं, जो एक साल में नहीं होता. मेरा क्वेश्चन ये है. हाँ जी, डीजी साहब और सेक्रेटरी कहाँ हैं आप दोनों? डीजी साई, अब इस बच्चे का जवाब दीजिए कि क्यों VIP आता है तो एक दिन में साफ हो जाता है और एक साल में वैसे साफ नहीं होता. दीजिए जवाब. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू मेंटेन द स्टेडियम इन अ प्रॉपर कंडीशन. प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव इनफ मनी. वी रिक्वायर सम 60 crores टू मेंटेन द स्टेडियम. वी गेट ओनली 40 crores. सो देयर इज अ गैप ऑफ 20 crores. दैट्स द मेन प्रॉब्लम. व्हेन वी गेट मोर मनी वी विल मेक इट. No, I don't agree with that. With the existing money, we have to be more efficient. But DJ Saab, one more thing, what we started is that when we did a calculation that these huge infrastructure which we've created, we only use them for more than 50 to 60 days in a year out of 365. So we've started now the outskirts, if we have an open area, we're giving it for other than sports events. Places where no sport is played. So that will generate enough money for your stadia so you can maintain these stadias. So I think we've had a great session here today. Thank you very, very much to all our sports persons, here. And we will have to wrap up this program. People have to go out. They have flights to catch. You can ask me a question. You come with me. Okay, we'll have a last question, Rahul ji. Short. Sir, my name is Rashpal. Sir, I want to ask you, do you go to a cricket match? Do you ever go to volleyball? 1 second, sir. Okay.
सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, माइक दीजिए, दे रहा हूँ ना मैं सर, मुझे बहुत कुछ पूछना है। एक एक नहीं नहीं सवाल एक पूछते हैं, ऐसे होता नहीं सर, ऐसा सेशन है कि वॉलीबॉल में हमारा फ्यूचर कुछ भी नहीं है। मैं तो वही देखूंगा जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। अब रियलिटी है कि क्रिकेट से ज्यादा मुझे फुटबॉल अच्छा लगता है, तो मैं अगर चॉइस हो तो मैं फुटबॉल का मैच देख लेता हूँ, और मुझे बॉक्सिंग में इंटरेस्ट है, बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट है, कभी कभी मैं वॉलीबॉल देख लेता हूँ, मगर मुझे स्पेसिफिक वॉलीबॉल में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना मुझे शायद फुटबॉल में है। अगर आप चाहते हैं मैं आके देख लूंगा आपके दो तीन मैच। तो देखिए हर चीज़ का इंटरेस्ट होता है, मुझे शूटिंग का इंटरेस्ट रहता है, मुझे साइकिलिंग का भी इंटरेस्ट है तो मैं वो देखता हूँ, तो राहुल जी को इंटरेस्ट है। आपको सबसे अच्छा बॉक्सिंग के अलावा सबसे अच्छा क्या स्पोर्ट लगता है बताओ? मैरी कॉम जी, मैरी कॉम जी, आपको सबसे अच्छे से स्पोर्ट क्या लगता है? तो ऑप्शन ऑप्शन डेवलप करने चाहिए। रियलिटी ये चल नहीं रहा माइक, रियलिटी ये है कि हिंदुस्तान में लोगों को क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट है, इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये सच्चाई है। अगर आप ब्राजील में जाएंगे तो ब्राजील में लोगों को फुटबॉल की इंटरेस्ट है, अगर आप यूके में जाएंगे उनको क्रिकेट और फुटबॉल की इंटरेस्ट है। तो आप हिंदुस्तान के लोगों को ये तो नहीं कह सकते कि भाई आप क्रिकेट मत देखो आप वॉलीबॉल देखो, ये तो किया नहीं जा सकता, ठीक है, और इसको हमें करना भी नहीं चाहिए। मगर ये बात जरूर है कि हिंदुस्तान में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो वॉलीबॉल देखना चाहते हैं और जो बाकी स्पोर्ट्स देखना चाहते हैं, तो फोकस थोड़ा ज़्यादा बाकी स्पोर्ट्स पर होना चाहिए, ये इस बात से मैं सहमत हूँ। क्या मतलब वॉलीबॉल के लिए क्या करना चाहिए? भैया ये वॉलीबॉल में जॉब का काम तो भैया इनका है, इनसे आप बात कीजिए। आइए महेश्वरी जी जो हमारी वेट लिफ्टर हैं जिनने देश का नाम ऊंचा करा है वो कुछ बोलेंगे। मैं बोलना चाहती हूँ, अगर क्रिकेट अगर बहुत पॉपुलर है हमारा कंट्री में तो ये क्रिकेट की गलती नहीं है, क्योंकि हम सभी जो फेडरेशन है, हम जो स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है हमारी वेट लिफ्टर या फुटबॉल जो भी है, उन सब फेडरेशन को क्रिकेट फेडरेशन सीखना चाहिए अपनी गेम को किस तरह की प्रमोट करना है और लोकप्रियता किस तरह बढ़ाना चाहिए, लोगों के बीच में कैसे लेके जाना चाहिए। देखिए इससे पहले क्रिकेट कहाँ पॉपुलर था, इससे पहले हॉकी था, हॉकी को बच्चा बच्चा जानता था, बच्चा बच्चा खेलता था, आज क्रिकेट है, क्योंकि जो क्रिकेट की जो फेडरेशन है उन्होंने इस तरीके की उसको अडॉप्ट किया, इस तरीके की पब्लिसिटी करवाई है कि अब बच्चा बच्चा क्रिकेट खेलता है। तो मैं समझती हूँ इसमें सर सिर्फ एंड सिर्फ जो है फेडरेशन की कमियां हैं, ये ना ही स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की है ना साई की है, ये जो करना है ये कर रहा है, लेकिन अगर फेडरेशन पीपल ही अगर कोई ऐसे पॉलिसी नहीं अपनाते हैं या नए आइडियाज नहीं लाते हैं तो इसमें दूसरों को कोई गलती नहीं है। बहुत बहुत देखिए अगर आप अभी मुझे कोई कह रहा था, चल रहा है माइक, अभी मुझे कह रहा था कि जब मेरी कॉम जी ने मेडल जीता तो हरियाणा में सब लड़कियों ने बॉक्सिंग करनी शुरू कर दी, तो आइकॉन से भी बहुत फर्क पड़ता है। लोग देखते हैं तेंदुलकर को, देखते हैं कहते हैं भैया मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मेरी कॉम जी को देखते हैं कहते हैं कि मैं बॉक्सिंग करना चाहता हूँ, जो जहाँ जहाँ भी आपको सक्सेस दिखाई देती है वहाँ लोग कहते हैं कि मैं भी शायद ये कर लूँ। जैसे विश्वनाथ आनंद जी जब चेस जीते उसके बाद बहुत सारे लोग चेस खेलना शुरू कर दिए, तो वो भी एक बात है। तो एक दो अगर वॉलीबॉल में हमारे आइकॉन्स डिवेलप हो जाएं तो फिर लोगों का अटेंशन उसमें चला जाएगा, तो उस पर भी फोकस करना चाहिए। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी राहुल जी से। राहुल जी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। मे आई आस्क अ क्वेश्चन? वी आर वांटिंग टू बी अ स्पोर्टिंग नेशन, वुड यू बिड फॉर ओलंपिक्स वंस यू आर इन पावर? I think it's an important stage in a country when you have the infrastructure and the capability to bid for the Olympic Games. It's a big responsibility and
it gives a country a particular status. And I think our country is now at the point where we could do something like that. So it is an interesting idea. But there are a lot of other calculations that go into that. But I think it's an interesting idea. Thank you. Rahulji, you're a football fan. And you'll be happy to know that the Indian cabinet has under 17 FIFA World Cup. The federation had come to us, the government has supported it, the cabinet has passed it, so we've won the FIFA under 17. So that's a very, very big achievement, and we will be getting the Olympics in the future. Thank you very, very much for coming here, especially to Sri Rahul Gandhi ji for coming here and spending a couple of hours with us. Thank you very, very much.